कि झारखंड की कला, आप देख तो झारखंड के अंदर कला संस्कृति बहुत बहुत व्यापक है, जहां खिलाड़ियों की बहुत उर्वरक भूमि है झारखंड, विशेषकर रांची लोकसभा, चाहे खूंटी हो, रांची हो, सिल्ली हो, ईचागढ़ हो, उसी तरह यह रांची लोकसभा भी सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आगे, चाहे छऊ हो, पाइका हो, बहुत सारे ढोल है, नगाड़ा है, बहुत सारे ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट भी हैं। तो वो कलाकार कैसे आ गए, उनको कैसे मंच मिले? कोरोना काल में हमने देखा था ऐसे कलाकारों को कि उनको स्टेज नहीं मिल रहा था, आर्थिक स्थिति चरमरा गई, क्योंकि 2 साल तो कहीं मंचन नहीं कर पाए। और कोरोना काल में भी हम सब मुकुंद नायक जी और अजय मालकानी जी के नेतृत्व में 2 मरतबा हम लोग बैठे, कैसे ऐसे कलाकारों को हम आगे बढ़ाए। तो इस बार निर्णय हुआ है कि 5, 6, 7 मई को सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें माने हमारे जो कलाकार हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी कलाओं के वाहक हैं, उनको एक प्रमोशन दे पाए, उनको एक मंच दे पाए। और इसीलिए इन जो 10 इवेंट्स होंगे, 10 इवेंट्स में अभी मलकानी जी बताएंगे, 10 इवेंट्स में जनजातीय नृत्य है, जनजातीय इंस्ट्रूमेंट प्रतियोगिता है, फोक नृत्य है, क्लासिकल नृत्य है, क्लासिकल नृत्य सामूहिक है, फ्री स्टाइल नृत्य कोरियोग्राफी है, क्लासिकल वोकल है, फिर सामूहिक गीत है, माइम प्रतियोगिता है, लघु नाटिका प्रतियोगिता है। और उस तीन दिन के महोत्सव में उद्घाटन समारोह में हमारे जो मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, अर्जुन राम मेघवाल जी, उनको आमंत्रित करने जा रहे कि उसका शुभ उद्घाटन उनके हाथों से हो। और विनय सहस्त्रबुद्धे जी आईसीसीआर के चेयरमैन हैं, उनको भी आमंत्रित करने जा रहे। और समापन में हमारे जनजातीय मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा जी और माननीय महामहिम राज्यपाल जी को हम आमंत्रित करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।